dear students, I hope you all are fine. Okay, so today in this video lecture we will do Hindi subject. Okay, so first of all you have to take out your Pratibha. आपको आपकी प्रतिभा निकालनी है एंड देन पेज नंबर 39, आपको पेज नंबर 39 निकालना है. ओके, सी नंबर 38 वी हैव डन, पेज नंबर 38 हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एवरीवन हैज डन इट, यस और नो? ओके, सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड यू हैव टू डू विथ मी. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हेडिंग, एक जैसे शब्दों पर गोला बनाओ. गोला मतलब सर्कल करना है, एक जैसे मतलब सेम वर्ड्स पे आपको सर्कल करना है. ओके, सो फर्स्ट वन सी ओवर हियर, आपकी बुक में आपको ऐसे देखना होगा. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, बट ये भी आपको पहले देखना है. ओके, सी चूहिया 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 चूहिया. अभी ये सब चूहिया ही लिखा है, चूहिया मतलब माउस. ओके, सो ये सब चूहिया ही लिखा है, पर इसमें से दोनों एक जैसे कौन से है? देखो यहाँ पे चू मात्रा है, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, तो ये तो नहीं आएगा. ओके, इसको रहने दो. अभी ये तीन में आपको देखना है. अभी चू यहाँ भी छोटी ऊ की मात्रा ही है, पर अभी हम देखेंगे ही में. ही में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये भी नहीं आएगा. और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पे छोटे ई की मात्रा, यहाँ पे य में आ की मात्रा, और यहाँ पे आ में आ की मात्रा. ओके, सो ये दोनों सेम है. ओके, यहाँ पे सर्कल किया है ना ऐसे दोनों में, तो आपको देखना आ गया अभी कि सेम कैसे देखते हैं. ओके, अभी यहाँ पे देखो, चुलबुल 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 चुलबुल. अभी दोनों सेम जैसे कौन से है? देखो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, दोनों जगह पे छोटे ऊ की मात्रा है. ओके, यहाँ पे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पे दोनों बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पे ये दोनों सेम हुए, राइट? दोनों में, चू में और बू में छोटे ऊ की मात्रा ही है. ओके, तो यहाँ पे दोनों में आपको चूल बुल में ऐसे गोला बनाना है, सर्कल करना है, लाइक दिस. ओके, डन. ओके, नाउ नेक्स्ट, सुराही 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 और सुराही. ओके, तो देखो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ और छोटे ऊ. अभी ये बड़ा ऊ है ऊ तो अलग ही हो गया, तो इसको हम नहीं देखेंगे. अभी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ही हम देखेंगे. यहाँ पे रा, यहाँ पे रा और यहाँ पे भी रा है. ओके, अभी यहाँ पे देखो, ह में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे ह में बड़ी ई की मात्रा है, पर यहाँ पे अ में छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये भी हम नहीं देखेंगे, ये और ये नहीं देखेंगे. तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये और ये. देखो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा दोनों जगह पे है, फिर आ की मात्रा है दोनों जगह पे, और ह में बड़ी ई की मात्रा है दोनों जगह पे. ओके, सो हम फर्स्ट वन को सर्कल करेंगे एंड देन थर्ड वन को सर्कल करेंगे. ओके, डन. समझ में आ गया कैसे करना है? जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना, ऑड नंबर इवन नंबर. ओके, लाइक दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अक्षरों को मिलाकर लिखो. यहाँ पे ये तो आपको आता ही है कैसे लिखना है. ओके, सो अगेन लेट अस डू इट. ख है तो पहले हम क्या लिखेंगे? ख, बहुत अच्छी तरह से आपको ख लिखना है. फिर ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आएगी? यस, ख में आएगी. ओके, आपको ख के नीचे छोटे ऊ की मात्रा करनी है, और ये श, यहाँ पे आपको श लिखना है, और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन, खू श खू श. ओके, नाउ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ग है, तो हम पहले यहाँ पे ग करेंगे, फिर छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे नीचे ग करेंगे, ग के नीचे छोटे ऊ की मात्रा आएगी. ओके, फिर अंग है, तो यहाँ पे अंग करेंगे, और इसमें छोटी ई की मात्रा हो गया, तो डी हो गया,
और य य करके आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया? गुड़िया। इसको क्या बोलेंगे हम? गुड़िया, गुड़िया नहीं बोलेंगे, गुड़िया। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे म है। ओके, सो लेट अस राइट हियर म। फिर ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो म के नीचे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। आप लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स मेरे साथ, और समझते भी जाना। ओके, फिर ये क है, तो क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा क, बहुत अच्छी तरह से करना है। देखो बच्चों, आप ऐसे करते हो, दिस इज रॉन्ग, ये क नहीं है, दोनों जगह पे आपको ऐसे ही करना है, लाइक दिस। ओके, मैंने आपकी बुक्स देखी है, तो ऐसे मत कीजिएगा, ये रॉन्ग क है, ऐसे क करना। क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और फिर ट। अभी हम इसको कैसे रीड करेंगे? मुकुट, मुकुट, मुकुट मतलब क्राउन, किंग का जो क्राउन होता है वो। फिर क है, राइट, सो हम यहाँ पे क करेंगे पहले। फिर क्या है? क के नीचे हम क्या करेंगे? छोटे ऊ की मात्रा। ओके, सो हियर वी विल डू छोटे ऊ की मात्रा, मतलब क्या हुआ ये? कु। फिर स है, तो हम यहाँ पे स लिखेंगे और स के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, तो स के नीचे छोटे ऊ की मात्रा क्या हुआ? सु, कु, सु, और ये क्या है? म। हम कैसे रीड करेंगे? कुसुम। ओके, एंड फिर स्लिपिंग लाइन करना नहीं भूलना है, हिंदी में ऑलवेज स्लिपिंग लाइन होती है। ओके, सो ये क्या वर्ड हुआ? कुसुम। ओके, सो लेट अस रीड इट अगेन। खुश, गुड़िया, मुकुट एंड कुसुम। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रिटन पार्ट। नाउ सी, अभी यहाँ पे ये देखिए, जिन चित्रों के नाम में ऊ की मात्रा आती है उसमें रंग भरो। ये सभी में कलर्स नहीं करने हैं, जहाँ पे ऊ की मात्रा आती है वहाँ पे ही आपको कलर्स फिल करने हैं। ये फर्स्ट वन इज रोज़, तो रोज़ को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गुलाब, तो गुलाब, गू में छोटे ऊ की मात्रा आई, राइट, लाइक दिस। हम कैसे कैसे बोलेंगे इसको? गू ला ब, तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आई, तो आप यहाँ कलर करोगे। ओके, फिर ये क्या है? कमल है, तो कमल में कोई मात्रा नहीं है, तो कमल में आप कलर नहीं करोगे। फिर यहाँ पे ये चिड़िया है, ओके, बर्ड है, तो बर्ड, चिड़िया, इसमें भी कोई मात्रा ऊ की नहीं आती है। चिड़िया हम कैसे लिखते हैं? ची डी या। ओके, तो चिड़िया में कोई ऊ की मात्रा है नीचे? नहीं है, तो आप इसमें भी कलर नहीं करोगे। अभी ये क्या है? कछुआ, टोटोइस, टोटोइस को हम कछुआ बोलते हैं, राइट। क छू, छू के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और आ, कछुआ, तो छुआ है ना छोटे ऊ की मात्रा। ओके, तो ये कछुआ में भी आप कलर करोगे, आपको रोज में और टॉर्टोइस में कलर करना है, ये दोनों पिक्चर में कलर नहीं करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर पेज नंबर 39, एंड प्लीज डू इट, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज डू इट। ओके, थैंक यू।